सुबह सुबह महक का फोन। हाय महक। आकाश, मुझे जिम में किसी ने लेटर भेजा है। क्या बात है, सुबह सुबह लव लेटर, नॉट बैड। हाँ आकाश, मौत का लेटर है। मौत की चिट्ठी? क्या मजाक कर रही है महक? एक ब्लैक एनवेलप पे मेरा नाम लिखा है और उसमें एक लाश बनी है और उसमें लिखा है, याद है ये लाश? 5 साल पहले। ओह माय गॉड, 5 साल पहले? अरे लेकिन ये बात, महक एक मिनट। आकाश, 5 साल पहले हमने किसी की लाश जमीन में गाड़ी थी, याद है ना? ये बात किसी को पता कैसे चली? हाँ, और क्या लिखा है उस लेटर में? आकाश, ये काफी नहीं है क्या? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं आकाश, हम सब फंस जाएंगे। बैग सुन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम शाम को मिलते हैं। पर आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस तू घबरा मत। महक, एक मिनट, मुझे भी सेम लेटर आया है यार। क्या? एक मिनट होल्ड करने यार। हेलो आकाश, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही लेटर सोनाली और अतुल को भी आया हो? ये राज का पता लगाने के लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां पे हमने इस राज को 5 साल पहले दफनाया था। नहीं, अब तक नहीं आया, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूं। लगता है आ गए। यार, ये लेटर्स कौन भेज रहा है? अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, किसी को पता कैसे चला? वो भी 5 साल पुराना राज। यार लाश तो है ना वहां पे? यार अभी तक चेक नहीं किया, चलो जाके चेक करते हैं। नहीं यार, इधर तो पेड़ ही पेड़ है। अतुल, यहाँ सब लोग, यही वो जगह है। कैसे पता कि यही वो जगह है? अरे ये तीनों पत्थर मैंने अपने हाथों से तो रखा था। अगर ये तीनों पत्थर हिले नहीं है, इसका मतलब लाश भी यही होगी। अगर पत्थर अपनी जगह से हिले नहीं है और अगर लाश अंदर है, तो किसी को पता कैसे चला कि हमने लाश यहाँ गाड़ी है? अरे चेक तो कर लेते हैं। अतुल, मुझे तो लगता है तुम दोनों ने दारू के नशे में किसी ना किसी को जरूर बता दिया है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा, फांसी मुझे भी होगी। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं चढ़ना फांसी पे, क्या करूं? लाश तो यहाँ पे है ही नहीं,
उदय की लाश कहाँ गई? लाश यहाँ है। बंगलों से आवाज आई। लगता है बंगलों में कोई है। अतुल, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है। अरे भूतिया हवेली है तो अंधेरा तो होगा ना। अरे अंदर चले। चल। हाँ। बहुत अंधेरा है यार। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे वो देखो, स्विच बोर्ड। अरे ऑन करो जल्दी। दीक्षा, उदय की गर्लफ्रेंड? सही पहचान। उदय का नाम याद रह गया तुम लोगों को? याद है उस दिन क्या हुआ था? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं, रैगिंग थी, रैगिंग। तुम लोगों ने उसे एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया था। छोड़ दो, मैंने क्या किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है ये? क्यों डरा रहे हो उसे? मैक, मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों से प्लीज। डरो नहीं, मैं हूं ना। सुपर यार, बहुत मजा गया, ये तो गया। चलो, इसको बंद कर, चलो। 23 दिसंबर की रात थी, हॉस्टल में कोई नहीं था। उदय कब मर गया किसी को पता ही नहीं चला। हमें तो पता भी नहीं चला। हमें कुछ नहीं पता। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम लोग बाहर दारू पी रहे, नशे में धुत। जब तुम अंदर गए तब तुम लोगों ने देखा था। इसको देखो, ओवर एक्टिंग। ओए, अभी तक लेटा हो। उदय, ओए उठ, बहुत हो गया, उठ। गाइस, व्हाट गाइस? इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया है। ठंडा? गाइस, इसको सांस नहीं आ रही है। गाइस, he's dead. मर गया? He's dead. झूठ क्यों बोल रही हो? कहानियां बना रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो मैं? छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। देख, दिमाग खराब ना कर, नहीं तो क्या? तुझे भी मार देंगे यही। मुझे पता था तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। एक लड़के का खून करके खुले आम घूम रहे हो। मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो मेरे दोस्त के पास है, और अगर मैंने उसे 15 मिनट में फोन नहीं किया तो वो वीडियो टीवी पे दिखेगी, और तुम लोग और तुम्हारे अमीर और इज्जतदार माँ बाप के कपड़े सबके सामने उतर जाएंगे। ये देखो। हाथों से तीनों पत्थर यहीं रखे थे, पत्थर तो हिले नहीं, फिर उदय की लाश कहाँ गई? बदले की आग में जल रही थी मैं। कितना प्यारा था मेरा उदय। जिस दिन से मुझे पता चला
कि उदय के मौत के पीछे तुम लोगों का हाथ है। उस दिन मैंने भी सोच लिया था, मैं भी तुम लोगों के साथ एक गेम खेलूंगी, मौत का गेम। आज ये गेम मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी, मैं भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगी। अगर मेरी मौत होती है तो हो जाने दो। दीक्षा, दीक्षा रहने दो ना, ये सब पुरानी बातें हैं, जो हो गया है उसे भूल जाओ। नहीं, मैं उदय को नहीं भूल सकती, उसकी मौत का बदला होके रहेगा। उसकी लाश देखी है मैंने, ये बूंद हम में से किसी को नर्क पहुंचाएगा, हम में से कोई आज मरेगा। यहां से आज कोई मरने वाला है। मौत का खेल, तरप तरप के मरने में जो मजा है वो छत से मरने में कहा। पांच लोग, पांच ग्लास, बराबर इंसाफ। किसकी किस्मत में मौत लिखी है ये भी मैं नहीं जानती। मैं एक दो तीन गिनूंगी, अपना अपना ग्लास उठाना और छत से पी जाना। और अगर मेरी मौत हो गई तो मुझे भी यहां गाड़ देना, जैसे उदय को गाड़ा था। मैंने भी ऊंगा, मैं भी ये खेल नहीं खेलना चाहता, मुझे भी नहीं मरना। मुझे मत मारो प्लीज। ठीक है, बचाओ अपनी अपनी जान। जब तुम्हारी माँ बाप की इज्जत सबके सामने उतरेगी तब अच्छा लगेगा। वन टू थ्री। मैंने कहा पियो। मुझे भी कुछ नहीं हुआ, बच गया मैं। हम बच गए। यहाँ पांच ग्लासेस अभी भी, और इन पांच ग्लासों में से एक में जहर है। Thank you.
एक दीक्षा, I'm very sorry. दो. Please, हमें माफ कर दो. तीन. पियो. अच्छा हुआ आप लोग आ गए सर. लड़की की हालत बहुत खराब, क्रिटिकल कंडीशन में. हुआ क्या? सर किसी ने उसके पीठ में चाकू मारा है. किसने? वो पता नहीं सर, सड़क पे पड़ी थी. दो साइकिल्स उसे यहाँ लेके आए. बार बार यही कह रहे हैं सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ. आइए सर. हम लोग जाए सर. आप दोनों जरा रुकिए थोड़ी देर के लिए. सुनिए, किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? मैंने किसी को सहर दिया है. सहर? लेकिन आपको किसने मारा? मैंने किसी को सहर दिया है. उसे बचा लो, वो मर जाएगा. उसका नाम क्या है? उसका उसका नाम ये लड़की कहाँ मिली आपको? सर आरंगुत रोड से एक छोटी सी सड़क अंदर की ओर जाती है, वहीं पड़ी हुई थी. सर यहाँ से आगे एक गांव है कुंडा बुटरू, हम लोग वहाँ से आ रहे थे. ये वही स्पॉट है ना जहाँ साइकिलिस्ट लड़की को लाश मिली थी? किसी ने देखा तो होगा. किसी ने तो? लड़की रात को मरी है. यहाँ पे कोई बाइक वाला, कार वाला या ट्रक वाला किसी ने कुछ देखा तो होगा. ट्रक वाला? ट्रक तो जा रही है यहाँ पे काफी. सर यहाँ पर एक आगे एक ढाबा है, वहां पे बहुत सारे ट्रक वाले बैठते हैं. ओ छोटे, ओ पानी छानी दे दे इधर. आज तो मेरे ढाबे की किस्मत ही बदल गई जी. बाहर आ गई जी बाहर, वो भी डबल डबल. मैडम जी, आप दोनों के लिए सब कुछ एकदम फ्री. बोलिए क्या सेवा करूं? सेवा बाद में करना, पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो हमें. सीडी, कल रात को यहाँ पे कोई लड़की आई थी. लड़की? ये लड़की. उई 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 उई। ये लड़की नहीं, रात को नहीं आई थी, शाम को आई थी मुझसे मिलने. तुमसे मिलने? एड्रेस पूछ रही थी जी. एड्रेस कहाँ का? एस के बंगलो. किधर है? किधर है? सर बंगलो वो सिस्टर. सर वो सामने गली में ही है जी एस के बंगलो. अतुल, 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 लगता है फिर पी के आ गया. अतुल, मुझे मत बोलो. अतुल, क्या हुआ बेटे? बुला नहीं जाता. अरे अतुल, अतुल, क्या हुआ अतुल? तुम कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना. अतुल, गणेश, माँ मुझे बचा लो. गणेश जल्दी आओ. गणेश, अतुल, अतुल नहीं, अतुल नहीं, माँ मुझे बचाओ. अतुल,
अरे नहीं, पता नहीं डॉक्टर कब आएगा, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अतुल सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। तीन चार गाड़ियां रही होंगी। क्या देख रहे हो भैया? आ गए आप, सही टाइम पे आए। सर हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे, ये जो टायर मार्क्स है ना, कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसमें? देखो भाई, एक कार तो एकदम छोटी है, स्मॉल कार, और दूसरी बीच के साइज की है। एक कार बहुत पुरानी है, कम से कम 30-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी होगी, टायर एकदम घिस गए, लेकिन फिर भी बंदे ने टायर बदले नहीं। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा। सर आपकी नॉलेज है ना। अरे फेंक रहे यार, फेंक रहे, कमाल है सर, वाह। क्या हुआ? सर ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे टायर मार्क्स को, तो लेकिन उस आदमी के बारे में पता चला जिसने जहर खाया और मरने वाला? सर मिल जाएगा, ये बंगलो तो मिल ही गया है, अंदर देख लेते हैं। पार्टी हुई है यहाँ पे, पार्टी हुई है सर, लेकिन पूरी नहीं हुई, बीच में ही निकल गए हैं वो लोग। ग्लास दस है, थोड़ी थोड़ी शराब भी है इसमें। भाई लगता है पार्टी के बीच में ही किसी ने जहर पी लिया, सबको छोड़ छाड़ के भागे लोग यहाँ से। तरेगा चेक कर ले। जा अभिजीत, कुर्सी के नीचे देखो, कीचड़ सूखा हुआ है, पैरों के निशान भी है। ये देखो, पांच कुर्सियां थी, पांच लोग थे, हर कुर्सी पे एक है, एक दूसरे की गोदी में बैठे थे। अरे यार क्या यार, हम पता लगाने की कोशिश करें कि वो है कौन जिसने जहर पिया है और कभी भी मर सकता है, और तू बीच में ये फाफे मारे जा रहा है। अरे फाफे नहीं, डिटेक्शन की पता नहीं है। एक काम कर, ये यहाँ जो ग्लासेस पड़े हैं ना, चेक कर देख क्या इनमें जहर है क्या। अगर जहर है तो समझ लेना कि जहर इसी कमरे में दिया गया है। ओए ग्लासेस यहाँ पर है। देखो यार, तू फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ये नहीं बताओगे कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये सब मैं अपने तरीके से करूंगा, समझ गया ना? ग्लासेस जाने दीजिए सर, हमें अपना काम निकालना है। सर उस आदमी को जहर दिया गया, कहीं मर ना जाए वो दीक्षा ने जिसे। वो क्या है अभिजीत? ये देखो, 10 रुपए का कॉइन। हो सकता है ये पैसे किसी के जेब में से गिरे हो या वैसे भी हो, लेकिन किसी न किसी की तो उंगलियों के निशान होंगे इस पर। ये आजकल क्या चल रहा है तारिका जी? दारू। दारू शुरू कर दी? कब से? जब से वो मिला है। कौन? कौन भाई? जिसके साथ तुम सीमा पार्टी रोड पे घूम रही थी पिछले हफ्ते। अच्छा वो नहीं नहीं, वो तो पीते ही नहीं है। पीता नहीं? वो पीता नहीं है? अब तुम्हें पिला दे। अरे ऐसे किसी आदमी के साथ कैसे दोस्ती कर सकती हो तुम? मतलब कहाँ मिला? कहाँ मिल गए? कहाँ मिला? ग्लास में। सर एक बात है, ये दीक्षा, इसने ऐसे किसी अरे गहरे को तो जहर नहीं दिया होगा, किसी ऐसे आदमी को जहर दिया होगा जो उसके जान पहचान का हो या उसके साथ उसकी दुश्मनी है। हाँ बिल्कुल। तो सर इस दीक्षा के बारे में पता करते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, किसके साथ उसका उठना बैठना है, किसी के साथ उसकी दुश्मनी जिसे वो जहर दे सकती है। सर ऊपर के कमरों में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर
सर पूरे बंगले में कोई नहीं। जूता जूता एक आदमी का थोड़ा टेढ़ा होकर के चलता है और जूता घिसा हुआ है और जूते का सोल जो है वो चमड़े का नहीं है। और यहाँ क्या चल रहा है बिन बादल बरसात। अरे भाई काम करने दो उसे, हम यहाँ चेक करने आए। अरे मिल गया सर, चेक कर लिया तारिका जी ने, इस ग्लास में जहर है। सर सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी जहर है, इन दोनों ग्लासेस में जहर मिला है। क्या कहा तुमने तारिका, जहर दो ग्लासेस में मिला है? हाँ सर। तो मतलब क्या दो लोगों को जहर दिया गया? और ऐसा दीक्षा ने तो कहा था कि उसने किसी एक को जहर दिया था। वही तो, ये सारा चक्कर क्या है? गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। पूर्वी एक काम करो, इस घर से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सबके पास जाकर के पता लगाओ क्या कोई जहर वाला पेशेंट आया था क्या। और श्रेया टेलीफोन कंपनीज में जाकर पता लगाओ कल रात इस घर के आसपास वाले इलाके में कोई टेलीफोन नंबर्स एक्टिव थे क्या और कौन से नंबर्स एक्टिव थे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया आपने जो हमें इस जहर के केस के बारे में बता दिया, वरना हम तो शहर भर चक्कर ही काटते रहते थे। डॉक्टर साहब सीआईडी को बताने की क्या जरूरत थी कि मेरे बेटे को उसके दोस्तों ने जहर दिया है? मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक ठाक है। जरूरत थी मैम, जरूरत थी। देखिए एक लड़की का खून हुआ है और उस लड़की ने मरते वक्त ये भी कह दिया कि उसने किसी को जहर दिया है। वैसे आपका बेटा कल रात घर लेट आया था ना जी, दारू पीकर आया था ना जी? सर बात कर सकते हो अतुल? तो फिर कल रात तुम परंगुट रोड के आसपास ही थे? बताओ मुझे। सर ये हॉस्पिटल है, बताए मुझे। सर मेरा बच्चा बीमार है सर। बाप के बेटे को पहले कह देना चाहिए था कि दारू मत पी, जहर मत पी। बीमार है, बताओ थे या नहीं? परंगुट रोड के आसपास थे या नहीं? इसके बंगलों में थे कल रात? वहां कितने लोग थे? कितने लोग थे? सर बहुत हो गया सर, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी। जरूर कीजिए। श्रेया माजी को बाहर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैम, नहीं मैं नहीं जाऊंगी मैम, मैं अपने बच्चे को छोड़ के से नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब समझाइए ना। नहीं प्लीज आप मुझे छोड़िए। एसीपी साहब ये जबरदस्ती है, मैं चित्रोले साहब को रिपोर्ट करूंगी आपकी, मैं शिकायत करूंगी। कर दीजिएगा प्लीज, ये जबरदस्ती है। बताओ अगर मुंह नहीं खुलाना तो इस खिड़की के नीचे फेंक दूंगा। सर ये सब क्या हो रहा है, बताओ जल्दी। महक ने, महक का नंबर दो, महक का नंबर दो मुझे। सर महक का आखिरी लोकेशन बोरेवली ईस्ट के इस जंगल में था। लेकिन सर इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढेंगे कैसे? शुरुआत तो करते हैं, इधर चलते हैं। अभिजीत ऐसे एक साथ घूमते रहेंगे तो रात हो जाएगी, अलग अलग चलकर ढूंढते हैं। ठीक है No!
वहां से आ रही आवाज। तुम्हें संभाल के, अरे अब दे जल्दी सब सिग्नल विग्नल तोड़ दो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। अरे अब अनिल, ये मैक कौन लगती थे? मैक मेरी गर्लफ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड है तो मार क्यों रहा था उसको? हैं? वो तो बेचारी वैसे ही जहर से मरी जा रही है, क्यों मार रहा था? हैं? क्यों मार रहा था? उसको पता चल गया था कि उदय को मैंने मारा है। उदय? उदय को वो मेरे पैसे नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि वो एक कमरे में बंद है, मैं गया और अनिल थैंक्स आने के लिए, अनिल थैंक यू। जब वो चारों लोग वापस आए तो उनको लगा कि उदय उनकी गलती की वजह से मर गया, फिर उन चारों ने उसको दफना दिया। उदय के खून के जुर्म में और मैक को मारने की कोशिश में लंबे समय के लिए जल जाएगा तू। ले जाओ इसको। हाँ दे, बचा लिया मैक को। ओके गुड। जहर उसकी बॉडी में नहीं है? अरे यार तो फिर ये दूसरा जहर किसको दिया गया? ओके ओके थैंक यू। दे आकाश और सोनाली का पता चल गया है, दूसरा जहर सोनाली को दिया गया था पर अभी वो खतरे से बाहर है। थैंक यू सर। एसके बंगलो में उस रात 5 नंबर्स एक्टिव थे, 4 थे अतुल, महक, सोनाली और आकाश के, और 5वां नंबर दीक्षा का था सर। उसका एड्रेस अभी कंपनी वाले भेज रहे हैं। फिर भी पता नहीं दीक्षा को किसने मारा सर। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस दूसरे ग्लास में जहर कैसे आया। दीक्षा ने तो कहा था कि उसने एक ही ग्लास में जहर डाला था। वो भी पता चल जाएगा, एक बार दीक्षा की फैमिली वालों से मिल तो ली। सर पड़ोसी ने बताया कि दीक्षा यहाँ अकेली रहती है, उसकी कोई फैमिली नहीं। सर दीक्षा का फोन मिला। अब पता चल जाएगा कि दीक्षा ने किस किस से बात की है।
कितने लोगों ने कॉल किया इसे? सोनाली को हमने बचा लिया, किसी ने उसे जहर दिया था। बच गई है उस रात उस बंगले के आसपास से जितने भी लोग गुजरे थे सबके नंबर ढूंढ लिए और नंबर्स को ट्रैक भी किया। वो आजकल सैटेलाइट बाबा सब देखते हैं ऊपर से कौन कहां जा रहा, तो पता चल गया उन दो नंबर्स में से एक आकाश का था और एक सोनाली का। दीक्षा का खून उसी रात को हुआ जिस रात उसने अतुल और सोनाली को जहर दिया। पर दीक्षा को किसने मारा हा? किसने मारा दीक्षा को? किसने मारा दीक्षा को? हमने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या मेरे चाचा ने मारा हा? देखो भाई खूनी गायब है लेकिन खूनी का लंगोट हमारे पास है और वो चोर की लंगोटी मेरी मुट्ठी में है। इतना छोटा सा लंगोट? हाँ बेटी, छोटा सा लंगोट, ये है वो लंगोट। अस्थमा की दवाई, दमे की दवाई जो हमें दीक्षा के घर से मिली। अच्छा आप लोगों में से किसी को अस्थमा है क्या? अतुल को? ये तो महक की आवाज है। हाँ ये महक ही है। पर अतुल का इनहेलर दीक्षा के घर कैसे आया? क्योंकि अतुल दीक्षा के घर पे गया था। मेरा मास्क को मारो। ये लो। क्यों मारा दीक्षा को? क्योंकि उसे मेरा प्लान पता था। कैसा प्लान? सोनाली को जान से मारने का प्लान। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। कद्दू प्यार करता हूँ? दिमाग खराब कर दिया तुमने। शादी कर लो, शादी कर लो। कौन करेगा इस चुड़ैल से शादी? फिर मैंने दीक्षा को फोन करके बोला था कि उसके बॉयफ्रेंड उदय को सोनाली और उसके दोस्तों ने मारा है। दीक्षा इनसे बदला लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसको बोला कि मुझे आधा और सोनाली को पूरा जहर दे। उसने घर पे बैठ के ग्लासेस को शफल करने की प्रैक्टिस की। सिर्फ उसे और मुझे पता था कि कौन सा ग्लास मेरे सामने आएगा और कौन सा सोनाली के पास। और मैंने आधा जहर लेके हॉस्पिटल में एडमिट होने का नाटक किया।
अतुल, तुमने दीक्षा का खून किया और सोनाली को मारने की कोशिश भी की, इसलिए कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। अब तुम तीनों, मैक, आकाश और सोनाली, तुम तीनों ने उदय की लाश छुपाई, वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम्हें भी कानून कड़ी से कड़ी सजा दी।